हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसा पेन स्टॉक लेकर गया हूँ जो 72 पैसे की है। ये बीएससी और बीएससी में कामकाज करती है। इसका मार्केट कैप है 11.3 करोड़ का। इसका करंट प्राइस चल रहा है 72 पैसे। इसने हाई 1.43 रुपये का लगाया। इसका लो है 56 पैसे। ये कहीं अपने सपोर्ट के पास मिल रही है आपको स्टॉक। स्टॉक पी ए है 86.8, बुक वैल्यू 1.04 रुपये का, डिविडेंड पे आउट नहीं करता है। आर ओ ई है 1.48%, आर ओ ई है 1.11%, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ 0 है, बट क्या है प्रमोटर मैं आपको दिखलाऊंगा नीचे। एविडेंट प्रमोटर की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है इस कंपनी में। डेट टू इक्विटी रेशियो है ही नहीं, यानी ये डेट फ्री स्टॉक है। एनुअल प्रॉफिट 18 लाख का है। देखो कर्ज मुक्त ये कंपनी, इस पर कोई कर्ज नहीं है। इंडस्ट्रीज पी है 34.9, फ्री कैश फ्लो भी है 13 लाख का, तो ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.11% की है, ठीक है। ईपीएस 1 पैसे का है, ठीक लग रहा है मुझे कंपनी। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.69 टाइम इट्स बुक वैल्यू। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, हमें डेट फ्री है कंपनी। अपनी बुक वैल्यू से इतना नीचे ट्रेड कर रही है। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपोर्टेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पे आउट डिविडेंड। ये आपको डिविडेंड पे आउट नहीं करती है, बट इसमें एनुअली प्रॉफिट होता रहता है, इसीलिए इस कंपनी में ये चार्ट ये बातें लिखी गई है। ये बातें कुछ हद तक नहीं, ये बातें जिस स्टॉक को मिल जाए, ये लाइंस जिस स्टॉक को मिल जाए वो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। और लेकिन सही जगह पे बाई किया तो ये कंस्ट्रक्शन टाइप की कंपनी है। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ जाकर के आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हो -9 लाख है जून 2022 में -10 लाख। इस कंपनी का प्रॉफिट कभी लॉस होता रहता है। दिसंबर 2021 में 40 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो -5 लाख का प्रॉफिट है। देखो नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट ही है, 5 लाख का प्रॉफिट है। उससे पहले 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, इससे प्रॉफिटेबल कंपनी मान करके चल सकते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए ईयरली बेस्ट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें टीटीएम में -50 लाख दिखला रहा है, मार्च 2022 में 43 लाख। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में ही दिखला रहा है ईयरली बेस्ट से। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखो फिर आ गया प्रॉफिट में, तो ये कंपनी 13 लाख का प्रॉफिट टीटीएम में और 13 लाख का प्रॉफिट मार्च 2022 में, उससे पहले प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो ये स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा लगा है, पसंद आया है। इसमें देखो नेट प्रॉफिट वगैरह ईयरली बेस्ट हुआ है, ठीक है। तो पेन स्टॉक में इससे अच्छा कोई और बात हो ही नहीं सकता, जो कि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, हमेशा इसे प्रॉफिट होता रहता है। अब विलो 1 रुपीज यानी 73 पैसे का है स्टॉक, तो और भी अच्छा है, ठीक है। आइए चलते हम लोग प्रमोटर की होल्डिंग पर देखते हैं, इसके प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है। दोस्तों 100% इसके पास 100% प्रमोटर होल्डिंग है। और पब्लिक के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो देखो विनोद जे पटेल के पास 6.55% की होल्डिंग, 6.55% की होल्डिंग है। फुल प्रूफ VFR प्राइवेट लिमिटेड के पास 5.06% की होल्डिंग है। तो ऐसे करके काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है नीचे इंडिविजुअल के पास, देख रहो 2.67% की होल्डिंग, काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 50% की होल्डिंग बनता है, यानी आप इसे बोल सकते हो हिडन प्रमोटर इसमें इंक्लूड है। पब्लिक के अंदर आपको दिखेंगे नहीं, ये सब प्रमोटर ही है। तो मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लगा है। प्रमोटर की होल्डिंग तो है नहीं, बट जो है कि पब्लिक के अंदर काफ़ी अच्छा प्रमोटर की होल्डिंग है, यानी हिडन प्रमोटर की होल्डिंग है, काफ़ी अच्छा है। इंडिविजुअल का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। आइए चलते इसके चार्ट पैटर्न पर और देखते हैं इसका चार्ट पैटर्न कैसा है। उससे पहले हम लोग देखते हैं इसका इस कंपनी का नाम क्या है। दोस्तों इस कंपनी का नाम है क्रेटो सिसकॉन लिमिटेड, और आप इस कंपनी को के नाम को देख सकते हो। ये 72 पैसे की कंपनी है। और देखो दोस्तों ये डील कहाँ करते हैं, डील्स इन रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर का टाइम चल रहा है दोस्तों, डिस्टर्ब
का टाइम चल रहा है अभी, ये सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है और प्लस उससे पहले रियल इस्टेट में भी काम कर रही है, रियल इस्टेट डेवलपमेंट का काम चल रहा है इनका और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही आने वाले टाइम में ये कुछ अच्छा करके दिखा सकता है, जैसा इसका काम काज है इस कंपनी का, सॉफ्टवेयर का में काम चल रहा है और रियल इस्टेट में। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन परचेज सेल रीसेल एंड रेंट रेसिडेंटियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज वगैरह में ये डील करती है। तो आइए चलते हम लोग टेक्निकल पर देखते हैं इसका टेक्निकल कैसा है। दोस्तों इस कंपनी का मैक्सिमम हाई की बात किया जाए तो ये कंपनी मैक्सिमम इस कंपनी का हाई है 20 रुपये का, 19 रुपये 37 पैसे का, 20 रुपये का इसका मैक्सिमम कंपनी का हाई है। और देखो ये 2019 से अब तक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी एक डब्बे में ट्रेड कर रहा है, मैं दिखला रहा हूँ आपको, एक डब्बे के अंदर ये ट्रेड कर रहा है ये कंपनी। देख रहे हो ये एक डब्बे में ट्रेड करता हुआ दिखेगा ये कंपनी आपको। तो इस कंपनी को हम काफी ऊपर से टूट चुका है, अब टूटने के लिए है कुछ नहीं। ये कंपनी देखो आपको कैसे हाई और हाई रेंज का पैटर्न बनाते हुए दिखेगी। देखो ये कंपनी पहला 1st हाई, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो ये हाई और हाई रेंज में ट्रेड कर रही है ये कंपनी। अगर ये कंपनी आपको 66 पैसे मिल जाए तो, और आप इस स्टॉक को यहाँ कहीं बाय करके चल सकते हो, ठीक है। 66 पैसे मिल जाए तो डेफिनेटली बाय करना, और आपका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 1 रुपये 37 पैसे का, इसे ब्रेकआउट करेगा तो फर्स्ट टारगेट आपका, सेकंड रहेगा 1 रुपये 78 पैसे, इसे ब्रेकआउट करेगा तो 3 रुपये का रेंज, 3 रुपये 4 रुपये का रेंज दिखलाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो उससे पहले आपको 6 रुपये 64 पैसे, 64 पैसे या इस करंट प्राइस में भी बाई करके चल सकते हो, ठीक है। 66 पैसे भी दिखला रहा है, ठीक। और अगर यहाँ से नीचे आता तो आप इस लेवल में, अगर इस लेवल में मिले 47-48 पैसे, तो इस लेवल में आप एवरेज करके चल सकते हो, ठीक है। जिस भी कंपनी में आपको टूटा हुआ, मतलब पेनी स्टॉक्स में, आपको एवरेज करके चलना सही रहता है, ना कि ये करना। तो आप इसे एवरेज कर सकते हो इस नीचे मिले, अगर आप 1,000 रुपये डाल रहे हो तो उसमें का 10% यहाँ एवरेज करना, ठीक है। जो भी 10% निकले यहाँ 48 पैसे सेकेंड अगर यहाँ मिले आपको, तो डेफिनेटली यहाँ 10% और एवरेज करके चल सकते हो, ठीक है। हर टूटने पे 10% का एवरेज, ऐसे करके आपके मनी को मैनेज हो जाएगा। वैसे इतनी ख़राब कंपनी है नहीं कि आपके पैसे को डुबो दे, डेफिनेटली आपके पैसे को 1x कर देगी। आज अभी दोस्तों पेनी स्टॉक, एक पेनी स्टॉक के अंदर भी आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है, अपनी मंथली इनकम का 2% हिस्सा पेनी स्टॉक में डालो, डालना चाहिए, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि पेनी स्टॉक से कितने अच्छे पैसे बनते हैं। आज जब भी किसी भी पेनी स्टॉक में, जब भी आपको, जब भी आपको 100% की प्रॉफिट दिखे एक पेनी स्टॉक में, जब भी आपको 100% की प्रॉफिट दिखे, सबसे पहला काम आपको अपना कैपिटल बाहर निकालना है, यानी आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उस पैसे को बाहर निकालना है, और अपनी प्रॉफिट को एक लॉन्ग टारगेट के लिए छोड़ सकते हो, जैसे कि 100%, 200%, 300% के लिए। जैसे कि अगर यहाँ से स्टॉक आपको लग रहा 3 रुपये जाएगा, उस टारगेट को अचीव कराने के लिए छोड़ सकते हो, और उसमें से भी जब वो टारगेट अचीव होता है तो 25% या 50% स्टॉक बचा है आपके पास, ठीक है। तो 25% स्टॉक और सेल करना है, यानी 50 में से 25% की स्टॉक सेल करना है, उसके बाद आपको उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो, यानी फ्यूचर के लिए छोड़ सकते हो, अगर उसका फंडामेंटल अच्छा है तो, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और नए स्टॉक के साथ।